हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आज के वीडियो में हम लोग सेकंड ग्रेड के एग्जाम में जो पेपर वन आपका जीके का पूछा जाता है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों का सिलेबस है पेपर वन का, जो कॉमन है, सभी के लिए कंपलसरी है, सभी को पढ़ना होगा। तो उसके लिए आपको सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से देखना होगा। ये पूरा सिलेबस आपका इंग्लिश में दिया गया है, तो देखिए यहाँ तक। इस पूरे को मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। आपको क्या करना है, एक पेन और पेपर लेकर बैठना है और हिंदी में इसे नोट करते हुए चलना है। जिनको हिंदी में चाहिए और जिनको इंग्लिश में चाहिए, तो उनके लिए तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो देखिए यहाँ क्या पूछा जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान जो है वो पूछा जाएगा राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान का जो भौगोलिक ज्ञान है उसमें क्या पूछा जाएगा। जो भी पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं केवल आपको वही पढ़ने हैं। सेकेंड ग्रेड के जो एग्जाम है उसकी खास बात यही है कि जो भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं आपको केवल और केवल वही पॉइंट पढ़ने होंगे, उनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है राजस्थान के भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में लोकेशन दी है कि स्थान, सीमा, उसके बाद राहत सुविधाएं, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, एग्रीकल्चर यानी कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, इसके बाद विकास, साक्षरता, लिंग अनुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग, योजना और बजट से संबंधित, नेक्स्ट प्रमुख पर्यटन केंद्र। जो भी पॉइंट मैंने आप लोगों को अभी बताए वही आपको करने हैं। इनको आप हिंदी में लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये तो ज्योग्राफिकल पार्ट हो गया राजस्थान का। अगली बात हम करेंगे एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। तो यहां पर देखिए, अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की बात करें, तो केवल आपको चार सभ्यताएं पढ़नी होंगी। कौन कौन सी? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। इन चारों सभ्यताओं के अलावा और कोई भी सभ्यता नहीं पढ़नी है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। जो भी पॉइंट यहाँ दिए गए हैं केवल वही पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखिए, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th century, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का इतिहास। अब इसमें कौन कौन से आप लोगों को शासकों के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिए गुर्जर प्रतिहार है, इनको पढ़ना है, अजमेर के चौहान पढ़ने हैं। जो भी पॉइंट दिए हैं केवल वही पढ़ने हैं, इनको हिंदी में नोट करते हुए जाइए। गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, रिलेशन विद दिल्ली सुल्तान। तो देखिए, दिल्ली के जब शासक हुए तो उनका मेवाड़ के साथ संबंध, उनका रणथंबोर के साथ संबंध और उनका जालौर के साथ संबंध। तो इस समय कौन कौन से शासक यहाँ हुए उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जो कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मेवाड़ में उस वक्त कौन थे, रणथंबोर में कौन थे, जालौर में कौन से शासक थे। तो यहाँ आपको मुश्किल तो नहीं आएगी। ठीक है, तो जो भी पॉइंट है केवल उन्हीं को पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान एंड मुगल। अब राजस्थान के शासकों का मुगल के साथ संबंध, जहां राणा सांगा के बारे में पढ़ना है डिटेल में, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है, आमेर के मानसिंह के बारे में पढ़ना है, मारवाड़ के चंद्रसेन के बारे में पढ़ना है, बीकानेर के राय सिंह के बारे में और मेवाड़ के राज सिंह के बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे मैं आप लोगों को सिलेबस जो है वो बता रही हूँ, ताकि आपको सिलेबस याद होना चाहिए हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले फोकस सिलेबस पर ही करना है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, इसके बाद देखिए क्या पढ़ना है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। इसमें आप लोगों के लिए दो पॉइंट हैं, किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ चुके हैं,
इनकी और थोड़ी डिटेल जो है वो यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो देखिए बेस क्या होता है कि 6 से 10 तक की आप लोगों ने जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपने देखी उसका पूरा फायदा आपको यहां पर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, यानी मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं की क्या भूमिका रही, महिलाओं का क्या रोल रहा वो पढ़ना है। सोसाइटी एंड रिलीजन, जो समाज है और धर्म है उसमें पढ़ने हैं। लोक देवता और देवियां, राजस्थान के प्रमुख संत पढ़ने हैं। वास्तुकला पढ़नी है जिसमें मंदिर, किले, महल, पेंटिंग्स ये देखनी है आपको, जो भी स्कूल्स बने थे। फेयर एंड फेस्टिवल, मेले और त्योहार पढ़ने हैं, ठीक है। सीमा शुल्क, कपड़े, गहने, लोक संगीत, नृत्य, भाषा और साहित्य, ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। तो सिलेबस को देखकर ही आप लोगों को इतना तो लग ही रहा होगा कि हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा बढ़कर और पढ़ना होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है पॉलिटी के बारे में। देखिए राजस्थान का, राजस्थान में जो राज्यपाल हैं उनका कार्यालय, मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट है मंत्रिमंडल उसका क्या रोल रहेगा, क्या कार्य रहेंगे ये पढ़ना है। राज्य के जो सचिवालय हैं, मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी, राजस्थान लोक सेवा आयोग है और राज्य मानव अधिकार, ठीक है, ये आयोग, इसके बारे में, राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ना है और राजस्थान में पंचायती राज का संगठन और भूमिका। नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। तो देखिए करंट अफेयर जो है वो केवल राजस्थान का ही पढ़ना होगा और ये एग्जाम के 3 महीने पहले स्टार्ट किया जाएगा। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान जो है वह एग्जाम के 3 महीने पहले स्टार्ट किया जाएगा। इसमें भी क्या पूछा जाएगा, यहां पूछा जाएगा देखिए राज्य स्तर पर यानी राजस्थान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल और जो खेल पहलुओं से संबंधित जो भी समसामयिक मुद्दे होंगे, घटनाएं होंगी, वो पढ़ना होगा। थर्ड पॉइंट देखिए जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज जो है वो विश्व और भारत के संदर्भ में देखनी है, जहां आपको महाद्वीप पढ़ने हैं, महासागर पढ़ने हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं ये देखनी है, ठीक है, और वैश्विक संदर्भ में जो पवन प्रणाली है यह देखनी है, पर्यावरण की क्या समस्याएं हैं, वैश्विक रणनीति और वैश्वीकरण, उसके पड़ने वाले इम्पैक्ट यानी प्रभाव, जनसंख्या प्रवृत्ति, वितरण, इंडिया और यूएनओ यानी भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके अलावा जो भी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में जो रुझान है, वैश्वीकरण है और परमाणु जो अप्रसार है उसके बारे में, इसके फायदे नुकसान ये पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कि मानसून प्रणाली क्या होती है, जल निकासी की क्या विशेषताएं हैं, कृषि के जो बदलते पैटर्न हैं, उद्योग है, राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है और गरीबी है, भारत की विदेश नीति की जो विशेषताएं हैं वो पढ़नी है, नेहरू जी का क्या योगदान रहा, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो एक एक पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को हिंदी में बताती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल परेशानी ना आए, और जिनको इंग्लिश में देखना है तो वो तो यहां से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि आप लोगों को 1919 से लेकर 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम थे उनके संदर्भ में पढ़ना है, ठीक है, और गांधी जी का क्या योगदान रहा राष्ट्रीय आंदोलन में, अंबेडकर जी का जो संविधान बनाया उन्होंने ये पढ़ना है, इसके अलावा भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़नी है,
मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, मौलिक कर्तव्य पढ़ने हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं, भारत की संघीय व्यवस्था और प्रमुख राजनीतिक दल पढ़ना है। ओवरऑल पूरा ही आ गया। पहले आप लोगों को जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया था उसमें आपको राज्य और पंचायती राज व्यवस्था उसके बारे में पढ़ना था, और यहाँ पर केंद्र जो है वो आ चुका है, भारत की संघीय व्यवस्था भी आ चुकी है, ये भी आपको पढ़ना होगा। फोर्थ पॉइंट जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सभी पॉइंट जो है वो आप लोग पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़कर पूछा जाएगा। जहां पर देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान, इसके संदर्भ में पूछा जाएगा, इसकी अर्थ पूछा जाएगा, अवधारणा पूछी जाएगी, ठीक है। क्लास में टीचर का क्या रोल होगा यह पूछा जाएगा, लर्निंग अधिगम ये पूरा टॉपिक आ जाएगा, और जो अधिगम करता है उसके विकास के बारे में पूछा जाएगा, उसका शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक विकास पूछा जाएगा, पर्सनैलिटी पूरी आ जाएगी, सिद्धांत आ जाएंगे, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आ जाएगी, बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता, नेक्स्ट मोटिवेशन आ जाएगा, अभिप्रेरणा, उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाएगी, आत्म अवधारणा हो गई, दृष्टिकोण हो गया, रुचि हो गई, आदतें, योग्यताएं और सामाजिक कौशल, ठीक है। तो पूरा जो सिलेबस था वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है, ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है आपको। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले राजस्थान के इतिहास से, जिसके लिए हम लोग सबसे पहले राजस्थान के इतिहास में जो आपकी न्यू बुक है जो स्कूल्स में इस वक्त चल रही हैं, सबसे पहले उनको ही देखेंगे, सिक्स क्लास से स्टार्ट करेंगे, जहां आपका ये पूरा जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें जो इतिहास पूछा जा रहा है राजस्थान का वो सभी आ जाएगा, ठीक है। यहां से लेकर और यहां तक आपका पूरा आ जाएगा, लैंग्वेज एंड लिटरेचर तक, भाषा और साहित्य तक पूरा आ जाएगा। तो शुरुआत हम यहीं से करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि आप लोगों का 80 नंबर का तो राजस्थान के संदर्भ में ही पूछा जाएगा, 20 मार्क्स आपका करंट अफेयर आएगा जो कि एग्जाम के 3 मंथ पहले ही स्टार्ट किया जाएगा, और भारत और विश्व का जो जीके है जनरल नॉलेज है वो 60 मार्क्स की आएगी, और एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी 40 मार्क्स की आएगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं डिस्कस करूंगी आपकी SST के सिलेबस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।